एचडी होम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। अयोध्या में जिस श्री राम मंदिर के हम दर्शन कर रहे हैं, दरअसल क्या आपको पता है कि उसके निर्माण के लिए विश्व का सबसे बड़ा डोनेशन कैंपेन चलाया गया था। जी हाँ, ये कैंपेन 14 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक चला था। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 45 दिन चले इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अभियान में कुल करीब 10 करोड़ लोगों ने 2500 करोड़ का दान दिया। 2.77 एकड़ जमीन पर श्री राम मंदिर का निर्माण। जानकारी के अनुसार साल 2019 में अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने करीब 2.77 एकड़ जमीन पर श्री राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी थी। इसके अलावा 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने की अनुमति मिली है। वहीं अदालत के इस निर्णय के बाद यह मंदिर संबंधी ट्रस्ट ने साल 2021 में इसके निर्माण के लिए कैंपेन चलाया था। अभी तक श्री राम मंदिर निर्माण पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च अनुमान है कि श्री राम मंदिर निर्माण में कुल करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च आएगा। जानकारी के अनुसार साल 2020 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक कुल करीब 900 करोड़ रुपए श्री राम मंदिर निर्माण में खर्च हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। वहीं 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस अभियान को देश विदेश में लेकर गया था, जिसमें 10 करोड़ से अधिक लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान किया।